हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फानेट का। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेपथेलिन। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले नेपथेलिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसका हमने रेजोनेंस कंसेप्ट डिस्कस किया था, साथ ही साथ इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इसका किस तरह का मॉलिक्यूल होता है ये। तो हमने ये पाया था कि ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल होता है। ओके, और आज हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेपथेलिन। नंबर वन, नेपथेलिन फॉर्म्स कलरलेस शाइनिंग प्लेट्स। तो नेपथेलिन क्या करता है, कलरलेस शाइनिंग प्लेट्स को फॉर्म करता है मेल्टिंग पॉइंट 353 केल्विन पर। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 353 केल्विन। Having a strong characteristic odor, तो इसकी odor characterized होती है, जो कि किससे मिलती है, मॉथ बॉल से मिलती है। ओके, तो जो हमारा नेपथेलिन है उसकी बनती है मॉथ बॉल, ठीक है, जिनको कि हम कपड़ों में रखते हैं ताकि उनमें पेस्ट ना लगे, ठीक है। और नंबर टू हमारे पास क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, लेकिन जो दूसरे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उनमें ये क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज हाईली वॉलेटाइल। तो ये क्या रहता है, हाईली वॉलेटाइल मीन्स इसकी जो टेंडेंसी होती है वेपराइजेशन की वो बहुत ज्यादा रहती है। एंड सबलाइम्स रेडली ऑन हीटिंग। ये क्या करेगा, जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये इंस्टेंट क्या कर जाएगा, सबलाइम कर जाएगा, यानी कि सॉलिड से एकदम वेपराइज स्टेट में ये कन्वर्ट कर जाता है जैसे ही इसको हीट मिलती है, तो क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इन इट्स केमिकल बिहेवियर नेपथेलिन रिजेंबल्स बेंजीन। अगर हम इसके केमिकल बिहेवियर की बात करें तो नेपथेलिन रिजेंबल करता है बेंजीन को, बट इज समवट मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। लेकिन क्या रहता है, ये ज्यादा रिएक्टिव रहता है टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन के इन कंपेरिजन टू बेंजीन। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन आर डिस्कस बिलो। इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। नेपथेलिन अंडरगोज द टिपिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो नेपथेलिन क्या करता है, जिस तरह से एक टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है, उसी तरह से ये भी रिएक्शन को शो करता है। इट विल बी सीन दैट मोस्ट ऑफ दिस रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस ऑन द अल्फा कार्बन। लेकिन इसमें यह देखा गया है कि इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं कि सारे ही, लेकिन जो मोस्ट मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे वो कहाँ पे देखी जाती हैं, अल्फा कार्बन पर। और हमें पता है कि अल्फा कार्बन हम किसे कहेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था, नंबरिंग भी करी थी और ये भी देखा था कि कौन सी कार्बन अल्फा है और कौन सी बीटा। तो इसमें ये जानने के लिए कि अल्फा कार्बन पर ही ये अटैक क्यों करता है, अल्फा कार्बन पर ही इसकी सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, तो इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखना होगा। तो इसलिए आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे सब्स्टिट्यूशन का, और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेपथेलिन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ये जनरेट हो चुका है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये है हमारा नेपथेलिन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पर, और अल्फा कार्बन कौन सी है, हमारी फर्स्ट जो कार्बन होगी वो है हमारी अल्फा कार्बन। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, और एक और बात, ये स्लो प्रोसेस होती है, स्लो रिएक्शन होती है ये, तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होते हैं तो ये स्लो होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही अटैक किया तो ये जो बॉन्ड था इसके साथ तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो ये कार्बन पर ये क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट हो चुका है।
अब इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइजेशन को शो करेगा। और जितनी बार ये जो पाई बॉन्ड है, जब तक ये सारे के सारे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हो जाते, तब तक ये क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग रेजोनेंस हाइब्रिड को फॉर्म करेंगे। तो टोटल इसमें 5 रेजोनेंस हाइब्रिड हमें देखने को मिलते हैं नेप्थेलिन में, वो हम देखते हैं वन बाय वन इस तरह से। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो चुका है, तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए। तो हमारा सेकंड रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से फॉर्म होगा। अब यहाँ पर तो आ गया, ये तो हो गया स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, लेकिन दूसरा अब यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हो चुका है। और क्योंकि ये पाई बॉन्ड दोनों जो रिंग है उनकी शेयरिंग में है, तो ये यहाँ पर इसके पास जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब जैसे ही ये यहाँ पर गया तो जो हमारा थर्ड कार्बोकेटायन था वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। हमें पता है कि ये ऑर्थो पोजीशन से फ्यूज्ड हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बॉन्ड है और यहाँ पर भी है बॉन्ड। अब यहाँ पर एक कार्बोकेटायन है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज करेगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो फोर्थ रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरह से फॉर्म होगा, ये यहाँ को डीलोकलाइज किया तो यहाँ पर आ गया ये बॉन्ड, और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हो चुका है। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो सभी ने डीलोकलाइजेशन को शो कर दिया है पाई बॉन्ड ने, अब एक ही पाई बॉन्ड रहा है जिसने डीलोकलाइजेशन को अब तक शो नहीं किया था। अब ये भी डीलोकलाइज करके यहाँ पर जाएगा इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए, और एट लास्ट हमारे पास ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा जो फिफ्थ वन होगा, और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगी, यहाँ पे रेजोनेंस होगी। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से ये शिफ्ट कर रहे हैं पाई बॉन्ड्स। और क्योंकि हमने क्या फॉर्म करना है, सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन को हमें फॉर्म करना है, तो सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन को फॉर्म करने के लिए अब ये जो हमारा कार्बोकेटायन है ये क्या कर देगा, प्रोटोन को लूज करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ये लूज हो जाएगा, किससे, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग से प्रोटोन यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ पर, और ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड नेप्थेलिन जिसके साथ में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। और जब भी हम इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, जैसे कि क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वो क्लोरीनेटेड नेप्थेलिन होगा, और ये है हमारा प्रोटोन जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ अलग से निकल चुका है। अब क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, जैसे कि व्हाई नेप्थेलिन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन बेंजीन। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारा नेप्थेलिन है वो मोस्ट रिएक्टिव रहता है इन रिएक्शंस को लेकर के देन बेंजीन, वो क्यों होता है। इन नेप्थेलिन अकॉर्डिंग टू पर बेंजीन रिंग बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। नेप्थेलिन जो है जिस तरह से बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, ठीक है, उसी तरह से नेप्थेलिन भी क्या रहता है, एरोमेटिक रहता है। बोथ हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, बट नेप्थेलिन हैज मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड मोर डीलोकलाइजेशन। लेकिन नेप्थेलिन के पास जो है, जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और डीलोकलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि बेंजीन में अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन सिर्फ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास शो करता है, दो रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करता है, लेकिन नेप्थेलिन का अभी हमने पीछे देखा कि इसने 5 जो है हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड को शो किया है, जिसमें कि बहुत सी हमें डीलोकलाइजेशन देखने को मिली पाई बॉन्ड की। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें, नेप्थेलिन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो नेप्थेलिन क्या है, एक तरह से मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है देन इन केस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में सिर्फ दो ही बन रहे हैं। एज सच द कार्बोकेटायन इज मोर हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से जो कार्बोकेटायन यहाँ पर जनरेट हो रहा है नेप्थेलिन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हो रहे हैं, तो जैसे ही कार्बोकेटायन वहां पर जनरेट होता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, वैसे ही पाई बॉन्ड वहां पर आ जाता है, डीलोकलाइज करता है और उसे उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देता है।
तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन होती है कार्बोकैटायन की वो भी बहुत फास्ट होती है। अब एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि ऐसा अगर हम मोर अगर हम डीप इसके बारे में डिस्कस करें तो नेफ्थेलिन जो है, नेफ्थेलिन का हमने स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस वीडियो में, हमने उसमें ये देखा था कि नेफ्थेलिन में दो बेंजीन रिंग फ्यूज हुए होते हैं। ओके, दो जो उसमें क्या होते हैं, बेंजीन रिंग फ्यूज हुए होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इसमें जो एक पाई बॉन्ड है वो दोनों के लिए शेयरिंग में होता है। तो जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, शेयरिंग में है। ये वाला जो डबल बॉन्ड रहेगा ये शेयरिंग में रहेगा, है ये दोनों बेंजीन रिंग ही हैं, लेकिन एक जो हमारा बॉन्ड होगा ये शेयरिंग में रहेगा। इन कंपैरिजन अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें, अब हमारे पास दो बेंजीन रिंग हैं, ठीक है, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग हम ले लेते हैं, डिफरेंट अलग अलग ले लिए हमने। तो अगर हम इनके रिंग को देखें तो इन दोनों के रिंग में तीन हमें बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तीन पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जो हमारी एक रिंग है उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर इसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करें तो हमने पीछे भी देखा था प्रीवियस वीडियो में, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे होने कितने चाहिए थे, 12 होने चाहिए थे, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मोस्ट रिएक्टिव बन जाता है। ओके, हाईली रिएक्टिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन, ठीक है। वो हमने देख लिया कि किस तरह से ये रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करता है। तो ये है इसके पीछे का रीजन। और यही बात है कि अगर हम एंथ्रासीन आगे हम जैसे डिस्कस करेंगे तो जैसे जैसे फ्यूज्ड रिंग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे पाई बॉन्ड कम होते जाएंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। ओके, फास्ट डीलोकलाइजेशन को ये शो करेंगे, तो इसलिए ये बेंजीन के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव रहता है। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थेलिन। इसमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाई अल्फा सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल देन बीटा सब्स्टिट्यूशन। अब हमने कहा कि अल्फा पर जब ये अटैक करता है तो वो मोस्ट स्टेबल रहेगी, तो वो क्यों रहेगी, बीटा पर क्यों नहीं रहेगी, वो हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा कार्बन एटम, अगर हमें देखना है कि ये जो ग्रेटर रिएक्टिविटी होती है अल्फा कार्बन एटम की इन दिस रिएक्शंस, लेट अस एग्जामिन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस रिजल्टिंग फ्रॉम द अटैक एट द अल्फा एंड बीटा पोजिशन रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या देखना है कि किस तरह से जो हमारे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो अल्फा और बीटा पोजीशन पर किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं। एज शोन अबव द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, मतलब कि जो हमने अल्फा अटैक में अभी देखा, जो हमारी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन थी, इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 और 2। तो जो उसमें स्ट्रक्चर 1 और 2 बने थे हमारे पास, तो यहाँ पर जब अल्फा अटैक हुआ तब ये जो हमारे स्ट्रक्चर 1 और 2 फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जिस रिंग पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है उसी रिंग पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोकैटायन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसमें है और इसमें है। और इन दोनों में ही क्या देखने को मिल रहा है कि एक हमारा बेंजीन रिंग एज सच वैसे ही इंटैक्ट है। ओके, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है वो एज सच है। लेकिन अगर हम थर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड को देखें तो यहाँ पर जो हमारा बेंजीन रिंग है वो अब नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अब इसने क्या कर दिया है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड था ये डीलोकलाइज करके यहाँ पर चला गया था इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पर जो दो हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड थे अल्फा अटैक के दौरान, ठीक है, तो इन दोनों में हमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। वही सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर 1 और 2 इन विच द पॉजिटिव चार्जेस रिसाइड्स ऑन द रिंग अंडर द अटैक, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है जहाँ पर अटैक हुआ था इलेक्ट्रोफाइल का। एंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक 3 इन विच द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स पार्शली और कम्प्लीटली ऑन अदर रिंग। तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारा थर्ड जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने देखा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पार्शियली या फिर आप बोलो कम्प्लीटली क्या कर गया है, दूसरे रिंग पर भी शो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि बीटा जो
अटैक हुआ तो उसमें किस तरह का हमें रेजोनेंस हाइब्रिड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने बीटा पोजीशन पर अटैक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हमारा ये वाला बॉन्ड है, इसने क्या किया, डीलोकलाइजेशन को शो किया, क्योंकि पहले तो यही करेगा क्योंकि ये इसी रिंग में हुआ है, तो पहले जिस रिंग का है वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन को शो करेगा। तो ये यहाँ पर गया, फिर जब जैसे ही ये यहाँ पर आया तो इसने ये यहाँ को चला गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंड में यहाँ पर हमारे पास आ गया ये बॉन्ड, और यहाँ पर अब क्या हो गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो यहाँ पर चला गया था तो ये यहाँ पर आ गया, और ये वाला यहाँ पर चला गया तो ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब थर्ड वाले में क्या होगा, ये वाला अब यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाने से यहाँ पर अब कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है, अब फिर ये यहाँ को शिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट किया जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर तो ये आ गया बॉन्ड, ये वाला तो कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज हो गया ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, अब इसको स्टेबल करने के लिए ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से इसमें भी टोटल 5 हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें हमें एक बेंजीन रिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है, चाहे वो फर्स्ट की बात करें चाहे वो सेकंड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज उसी रिंग में है जिसमें अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी रिंग में है, यहाँ पर भी इसी रिंग है। लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग सिर्फ हमें फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है जो कि इसमें है, इस पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है बेंजीन रिंग, ओके। तो वही मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन केस ऑफ बीटा अटैक वुड बी अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2 इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय द रिंग बींग अटैक्ड। पॉजिटिव चार्ज उसी रिंग में है जिसपे की अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक 3 इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड, जैसा कि हमने अल्फा अटैक में देखा था कि जो थर्ड है उसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है या जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पार्शियली दोनों रिंग्स में शेयर हो रहा है, ठीक है, पार्शियली और कम्प्लीटली बाय अदर रिंग एज शोन बिलो। तो इट मे बी नोटेड दैट अनलाइक अदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर हम दूसरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें इन केस ऑफ अल्फा अटैक जो कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड था, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें हमें दो रिंग देखने को मिल रहे हैं बेंजीन रिंग, एंड फर्स्ट इन केस ऑफ बीटा अटैक, और फर्स्ट जो बीटा अटैक में है स्टिल हैव 1 बेंजीन रिंग रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, इनमें बेंजीन रिंग है जिसकी रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन कितनी है, 151 किलो जूल पर मोल, कंप्लीटली इंटैक्ट, जो कि बेंजीन रिंग कंप्लीटली इंटैक्ट है। As such, these 3 structures are more stable than others. तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं देन अदर, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एरोमेटिक रिंग यहाँ पे फॉर्म है, तो एरोमेटिक रिंग होने की वजह से ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये मोर स्टेबल होंगे देन अदर। नाउ अल्फा अटैक इन्वॉल्व 2 सच स्टेबल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अल्फा अटैक ने दो इस तरह के स्टेबल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया है, दैट इज 1 and 2, ठीक है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, तो इसी कारण जो हमारा अल्फा अटैक होगा, ठीक है, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ होगा अल्फा अटैक के दौरान वो मोस्ट स्टेबल होगा देन बीटा अटैक, क्योंकि बीटा अटैक में सिर्फ हमें एक ही इस तरह का स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।